अगर आप थोड़ा ले लो, आप हाथ वाला ले हेलो माइक पीछे डालो, माइक पीछे करना पड़ेगा, एक माइक पीछे कर दो ना, आधे पकड़ा दो माइक, ये माइक थोड़ा पीछे कर दो, जा आगे कर दो, ये चौधरी जी, श्री बजरंग दास गर्ग जी, श्री कुलदीप बड़ैच जी, श्रीमती गुरबख्श रावत जी, श्री राजेंद्र कक्कड़ जी, श्री पवन मित्तल जी, श्रीमती जलमेघा दहिया जी, श्रीमती लिली कावा जी, श्रीमती संगीता जी, श्री मुकेश मल्होत्रा जी, श्री कुलदीप चितकारा जी, श्री मुंशी राम जी अरोड़ा, श्री सुभाष पपनेजा जी, श्री दलवीर जी कालवी जी, डॉक्टर राम प्रसाद जी, श्री प्रेम जी पार्षद, श्री आरती, श्री आरती पाहुजा जी, बहन अनीता तिवारी जी, श्री महेंद्र जूरी जी, श्रीमती शरणजीत कौर जी, श्री सुभाष निषाद जी, श्री शमशेर सिंह जी पूर्व पार्षद, श्रीमती सुनीता देवी जी, श्री अमरजीत सिंह जी, श्री ओपी तनेजा जी, श्री विजय शर्मा जी, श्री अनूप सिंह जी, श्री करदार जी अलाहाबादी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी साथीगण, मेरी बहुत ही सलीम खान जी एमसी, ताराचंद जी बेटी, श्री पवन जैन जी, डॉक्टर कादिर जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी सम्मानित बुजुर्गों, मेरी प्यारी बहनों जो कि बहुत देर से यहाँ बैठी हैं, और मेरे नौजवान साथी साथियों, देर बहुत हो गई है, ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँ, केवल चंद बातें आपके सामने रखना चाहूँ कि आज के दिन जिस तरह की राजनीति, चुनाव का समय है और 5 साल के बाद ये घड़ी आती है। कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले लोकसभा का चुनाव, और लोकसभा के चुनाव में स्थिति अलग थी, इस तरह के मुद्दों को उठाया गया,
लोगों को बरगलाया गया, देशभक्ति के पाठ पढ़ाए गए और लोगों को भावनाओं में बहा दिया। लेकिन साथियों, समय निकल गया। आज के दिन स्थिति बिल्कुल अलग हो चुकी है। ये चुनाव राज्य का है, विधानसभा का चुनाव, और आप लोगों ने चयन करना है कि अगले 5 साल में हमें कैसी राज्य सरकार चाहिए। और राज्य सरकार जो भी कार्य करती है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से उसका ताल्लुक होता है। अब ये लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी बातों के पीछे नहीं छिप सकती, ऐसी भावनाओं की बातें नहीं कर सकती जो कि पहले किया, क्योंकि आज के दिन लोग उनसे जवाब मांगते हैं, उनसे रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं। 5 साल पहले सरकार बनी, 150 के करीब वायदे आपसे किए हैं। अपना घोषणा पत्र 5 साल पहले का अगर ये निकालें, 154 वायदे किए, एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। और आज के दिन अपनी कोई बात वो पुरानी नहीं लेकर चलते, उनका जिक्र तक नहीं करते हैं, क्योंकि इन्होंने 5 साल में कोई काम किया नहीं, इसलिए उनका कोई जिक्र नहीं। अब फिर वही बात, झूठ, रकोसले, जुमले, फिर उन्हीं की आड़ लेने के खिलाफ में खोखले नारे पहले दिए, खोखले नारे अब दे रहे हैं। लेकिन साथियों, आज के दिन ये मेरे नौजवान खड़े हुए, नौजवान पूछते हैं इस सरकार से कि आपने हमारे लिए क्या किया। नौजवान पूछते हैं कि आपने हमें कितने रोजगार दिए। नौजवान पूछते हैं कि हमने शिक्षा पाई, आज हमारे भविष्य का क्या होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कहते हैं कि हरियाणा में कोई बेरोजगारी है ही नहीं, तो ये जवान पूछते हैं उनसे कि अगर बेरोजगारी नहीं है तो क्या कारण है कि 3 दिन जब लगातार इम्तिहान चले, क्लास के नौकरियां तो थी 4,862 और 15 लाख लड़के लड़कियां पूरे प्रदेश में घूमते रहे, तो ये 15 लाख लोग हमारे बच्चे, इनके पास अगर रोजगार होता तो ये ऐसे इनकी दुर्गति ना होती। 200-250 किलोमीटर दूर आपने इनके परीक्षा केंद्र बनाए, जो दुर्गति की, एक एक बच्चे का कम से कम 1,000 रुपया खर्च हुआ होगा, उनके माँ बाप ने दिए हो, तो ये बच्चे इतना पैसा खर्च आपने करवाया, बसों की छतों तक पे बैठकर गए, किसको नौकरी मिलेगी। मनोहर लाल जी को तो दिख नहीं रहा, उनको ये 15 लाख बच्चे दिख नहीं रहे, वो तो कहते हैं कि कोई बेरोजगारी नहीं है। आज के दिन अगर हम आंकड़े देखें तो पूरे देश में अव्वल नंबर पर है हरियाणा किसी अच्छे काम में नहीं, बेरोजगारी पर, बेरोजगारी पर 28.7% बेरोजगारी की दर है हरियाणा में। और मुख्यमंत्री जी को दिखते ही ना, माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं कि उनका भविष्य अच्छा होगा, नौकरी मिलेगी। आज के दिन नौकरी मिलना तो दूर की बात है, हमारे बच्चों को नशे में डाल दिया, इतना नशा फैल गया है, चिंता फैल गया है। जहाँ भी मैं जाती हूँ, हमारे नौजवान, माता पिता, सभी लोग एक ही बात कहते हैं कि जी देखो इस सरकार ने क्या दिया है हमें, चारों तरफ चिट्टा, तो ये सरकार क्या जिम्मेवार नहीं है।
ओपनली दिख रहा है, सारा माफिया है ये। और अगर सरकार का संरक्षण नहीं होता तो ये कैसे होता? सरकार के प्रशासन की मिली भगत से होता है। और ये कहते हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं, ये कहते हैं कि इन्होंने ईमानदारी से सरकार चलाई। क्या ये है ईमानदारी? जहाँ चिट्ठा खुले आम दिखे, जहाँ पर नौकरियां बच्चों को मिले नहीं, ये ईमानदारी है? एक एक पेपर, जितने पेपर आज तक दिए गए हैं, एक एक पेपर 20-22 पेपर लीक हुए, सब पेपर लीक हुए, तो ये क्या भ्रष्टाचार नहीं? जो सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन है, उनके चेयरमैन रंगे हाथों रिश्वत लेकर पकड़े गए, लेकिन थोड़े ही दिन में दबाव के बाद दबाव पड़ा, उनको वापस बहाल कर दिया गया। ये ईमानदारी है? ये पारदर्शिता है? किस बात की दुहाई देते हैं? किस बात के वोट मांगते हैं? बहुत से सवाल हैं जो आपको पूछने पड़ेंगे। हमारे गरीबों, दलितों के, पिछड़ों के बहुत से सवाल हैं। मैं अपने दलित भाइयों को याद दिलाना चाहूं कि अभी पिछले दिनों में दिल्ली में गुरु रविदास मंदिर था, एक मंदिर था जो 1507 से वहां पर था। संत गुरु रविदास जी स्वयं वहां पर आए थे और सुल्तान लोदी ने उनका प्रवचन वहां जाकर सुना, और तब से वो मंदिर बना हुआ था। अनेकों संत महात्माओं की वहां पर समाधि। साथियों, मुझे एक बात बताइए, क्या मंदिरों में भी भेदभाव होता है? संत गुरु रविदास के मंदिर के बारे में क्या वहां पर किसी की कोई आस्था नहीं? मंदिरों में भेदभाव नहीं कर सकते आप, आस्था में भेदभाव नहीं कर सकते आप। अगर आप चाहते तो एक छोटा सा ये मंदिर, इसको आप बचा सकते। सुप्रीम कोर्ट में जब बात गई, सरकार अपनी प्लान चेंज करके हर जगह बदला जाता है। जहां कोई मंदिर आता है या आस्था की कोई बात आती है, सरकार अपनी प्लान बदल सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, इनका ना दलितों से कोई लगाव, ना किसी की आस्था से इनको कोई, इनका कोई आदर, इन्होंने वो हमारा मंदिर तोड़ने की, तो क्या हमारे लोग इनको कभी माफ कर सकते हैं? ये इनकी सोच है, ये इनकी सोच है। और साथियों, हमारा राज्य छत्तीस बिरादरी का राज्य है। छत्तीस बिरादरी हमेशा प्यार से, अमन चैन शांति से रहती है, सभी धर्म अच्छे से आपस में प्यार से रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भाई को भाई से बांटने की बात करती है। हमारे राज्य में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार ऐसे हालात पैदा हुए कि आदमी तक बुलानी पड़ी। भूलना नहीं चाहिए जो बरवाला में हुआ, भूलना नहीं चाहिए जो रोहतक में हुआ, भूलना नहीं चाहिए जो यहाँ पंचकुला में हुआ। आर्मी बुलाई गई तो ये कैसी निकम्मी सरकार है? कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं। आज के दिन अपराध में हमारा प्रदेश सबसे आगे बढ़ता जा रहा है। रेप कैपिटल कहलाने लगा है हमारा राज्य, और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। अब शाम को माँ बाप अपनी बच्ची की राह देखते हैं कि किस तरह से वो सुरक्षित घर में पहुंच, और फिर कैसे बात, कैसी बातें करते हैं, खोखली बातें। खुद इनका क्या रवैया है मैं कहना नहीं चाहूंगी। इनके अपने प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उनके बेटे का क्या केस था किसी को नहीं बोलना चाहिए। कौन सी इज्जत देते हैं ये महिलाओं? और खुद मुख्यमंत्री जी जब 370 की बात करने लगे तो 370 कैसे इन्होंने समझाया लोगों को? कहते 370 का ये मतलब है कि आप कश्मीर से लड़कियां ले आओ। ये सोच है इनकी, ये सोच है महिलाओं के लिए, लड़कियों के प्रति ये सीख सिखाते हो आप। अरे हमारे लड़कों को पहले इस काबिल तो करो
कि वो अपने घर में अपने यहाँ कुछ प्रॉपर्टी खरीदें, कश्मीर तो बाद में चलेंगे, लड़कों का तो आपने भविष्य, हमारे यहाँ के बच्चों का भविष्य तो अंधकार में डाल दिया। साथियों बहुत सी बातें महिलाओं की है, युवाओं की है, कर्मचारियों की है, हर एक वर्ग के युवाओं की, सब हर वर्ग की, सारे वर्ग आज के दिन पीड़ित बैठे हैं, इंतजार में बैठे हैं कि कब इक्के साए। साथियों आज हमने अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र आज हमने जारी किया। एक नंबर आपको देना चाहूंगी, जिसके हाथ में मोबाइल है वो नंबर नोट कर लें। तिरानवे 333 0 11 रिपीट करूंगी, हाँ जी 93 55 333 0 11। अभी एकदम सारे मत गर्दी बजा देना, वो जाम हो जाएगी। ये हमारे घोषणा पत्र का नंबर है। घोषणा पत्र सब जगह हम उसकी कॉपी भेजना कई बार मुश्किल हो जाता है, हम अपने दफ्तरों में तो भेज देते हैं, लेकिन आम जनता को कैसे पता चले कि कांग्रेस पार्टी अगले 5 साल में सरकार बनने के लिए, बनने के बाद आपके लिए क्या करेगी। तो साथियों आप ये नंबर डायल करोगे, आगे आपको हमारे घोषणा पत्र का एक एक डिटेल मालूम हो जाएगा। ये पूरे देश में पहली बार हरियाणा कांग्रेस ने ये जारी किया। हमारी बहनें आप जानना चाहेंगी कि आपके लिए क्या है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। हमारी बहनें बहुत बहादुर हैं, बराबरी का हक मांगती हैं। तो हम आपसे वायदा करते हैं कि कांग्रेस सरकार आएगी तो हम सभी स्थानीय निकायों में, चाहे वो पंचायती राज है, चाहे हमारे शहरों के निकाय हैं, हर जगह बहनों के लिए 50% हम आरक्षण रखेंगे। बहुत अच्छा। नौकरियों आजकल बच्चियां पढ़ लिख जाती हैं, बच्चियों को भी नौकरी चाहिए, क्योंकि माँ बाप उनको भी पढ़ाते हैं कि बेटी वो भी नौकरी करे, सशक्तिकरण तो अस्थि में तभी होगा। तो बच्चियों के लिए भी हम सरकारी नौकरियों में और निजी संस्थानों में हर जगह बच्चियों को 33% आरक्षण देंगे हम महिलाओं को। हमारे युवाओं के लिए हम आपको योग्यता के अनुसार हर परिवार में कम से कम आपको एक नौकरी हम जरूर जरूर देंगे, हमारा वायदा है। इसके अलावा बहुत सी बातें हैं, शहरों की हैं, ग्रामीण क्षेत्र की हैं, हमारे कर्मचारियों की हैं, कर्मचारियों की बहुत पुरानी मांग थी, कर्मचारियों की मांग थी साथ में वेतन आयोग, तो साथ से सातवां वेतन आयोग शुरू करेगा, लागू करेंगे। पेंशन स्कीम के बारे में बहुत कुछ, बहुत डिमांड आती है, तो पेंशन स्कीम का भी हम आपको बताएंगे कि पेंशन स्कीम भी जो आप चाहते थे कि पुरानी जो प्रणाली हो, हम आपसे सारी बात डिस्कस करके उसको सही ढंग से, पुराने ढंग से उसको लागू करेंगे, हमारी सरकार आएगी। और साथियों और बहुत सी बातें हैं, पूरी किताब है मेरे पास, सारी रात हो जाएगी। जो पेंशन है हमारे गरीब लोगों की, हमारी बहनों की, सबकी पेंशन है जो, वो आज के दिन इन्होंने 5 साल में घसीट कर 2000 रुपए की थी, और वो भी टाइम पर नहीं मिलती। हमारा आपको वायदा है कि हमारी सरकार बनेगी, हम 5100 रुपए पेंशन करेंगे।
लिए 7 साल नहीं 55 से हम शुरू करें। ग्रेट। तो और बहुत बातें हैं, बहुत बातें हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए भी है। मैम गर्भवती महिलाओं के लिए बोल रहा हूँ, हाँ आशियाना में, आशियाना फ्लैट हमने जब बनाए थे तब हमने गरीबों को वो फ्लैट देने, मुझे एक बात बताओ कि कौन सा गरीब है जो 65,000 रुपया दे सकता है, कौन दे सकता है। तो ये सरकार की गलत नीति है, इन सारी चीजों को हम दुरुस्त करेंगे, ठीक करेंगे। और साथियों हम मकान बनाने के लिए भी, हालांकि यहाँ का मुद्दा नहीं है, लेकिन गरीबों के मकान बनाने के लिए भी हम 1.5 लाख रुपया देंगे। बहुत ही अवैध कॉलोनी जो है उनको हम इसी साल 2019 यानी अक्टूबर की तारीख दे देंगे, इस साल तक हम सबको रेगुलराइज कर देंगे। और उन अवैध कॉलोनियों में हम सारी मूलभूत सुविधाएं भी देंगे, ऐसे नहीं है कि करके छोड़ दिया कि अब जो हो, मूलभूत सुविधाएं भी सरकार देगी। तो साथियों आप सब ने हम एनहांसमेंट की बात है, वो तो जरूरी है। एनहांसमेंट के लिए हाँ डंपिंग ग्राउंड, ये तो यहाँ का एक बहुत बड़ा मुद्दा है भाई, ऐसे कैसे शहर के बीच में डंपिंग ग्राउंड, ठीक है पहले था लेकिन अब आबादी बढ़ गई तो 5 साल में इनको ये नजर तो आना चाहिए था शहर के बीच में डंपिंग ग्राउंड कैसे है, इसको तो शिफ्ट करना चाहिए। और वो भी उसके लिए भी हम वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी प्रावधान करेंगे और उसमें ये भी देखेंगे कि